वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो के अंदर। बात करेंगे शिबा इनू के बारे में, क्या कुछ करंट परफॉर्मेंस चल रही है शिबा इनू की, बिटकॉइन के बारे में, इथेरियम के बारे में, क्या कुछ लेवल चल रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के, सारी अपडेट यहां पे लेंगे, क्या कुछ हाल चल रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के। तो पहले क्रिप्टो मार्केट की अगर बात करें तो बिटकॉइन के जो लेवल्स चल रहे हैं इस टाइम पे वो 21,300 एंड 400 के जो लेवल्स हैं वो चल रहे हैं। और बिटकॉइन हमको पिछले कुछ दिन से बस यही लेवल दिखा रहा है, 21,500 का लेवल और 20,800, मतलब 20,800 से लेके 21,500 के जो लेवल्स हैं वही बिटकॉइन के हमको देखने को मिल रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। अगर हम इथेरियम की बात कर लें तो इथेरियम $1,600 पे चल रहा है, 1,28,000 रुपीज़ पे इथेरियम आ चुका है जो 1,60,000 से भी ऊपर पहुंच गया था। तो प्राइस इथेरियम के भी काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुए हैं, बिटकॉइन के भी ड्रॉप हुए हैं, 17,00,000 पे बिटकॉइन आ चुका है। तो अभी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि बिटकॉइन अब जल्दी आपको एक और डंप दिखा दे और 20,500 से अगर नीचे लेवल आते हैं तो फिर $19,000 और $18,000 भी बिटकॉइन हमको दिखा सकता है। बिटकॉइन के लिए अभी ज़रूरी है कि यहाँ पे $22,000 का जो लेवल है, जो मार्क है, हिट करे, वहीं से कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, लेकिन वहाँ पे लेवल जा नहीं रहे हैं और 20,000 से लेके 21,500 पे ही लेवल चल रहे हैं। अगर हम शिबा इनू की बात कर लें, शिबा इनू के 12-13 की सीरीज चल रही है, कभी 12 कभी 13, और 12.98 से लेके 13.50, 13.30 इसी लेवल में जो है शिबा इनू भी ट्रेड कर रहा है काफ़ी दिन से। और अभी करंटली शिबा इनू 13.19 की जो रेंज है वो चल रही है शिबा इनू की। और क्या कुछ अपडेट्स हैं शिबा इनू को लेके वो सब शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे शिबा इनू की बर्निंग से, और शिबा इनू की जो बर्निंग हुई है वो लास्ट 24 आवर में 105 मिलियन टोकन्स की हुई है, और 105 मिलियन टोकन सप्लाई में से बाहर गए हैं, और इसके अलावा 40 मिलियन टोकन्स और सप्लाई में से बाहर गए हैं। और ये जो 40 मिलियन की जो सप्लाई बाहर गई है, बर्न हुई है, ये सिर्फ एक ट्रांजेक्शन के अंदर हुई है, और ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है ये सेंट की तरफ से हुआ है, मतलब एक बर्न जो इवेंट है यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था सेंट की तरफ से, और 40 मिलियन जो टोकन्स हैं वो भी बर्न हुए हैं, और सीधा सीधा 100 मिलियन टोकन्स भी जो हैं यहाँ पे बर्न हुए लास्ट 24 आवर के अंदर। इसके अलावा शिबा इनू की गेम आपको पता है आने वाली है और कभी भी आ सकती है, शिबा इनू की गेम कभी भी लॉन्चिंग हो सकती है। अब जैसे जैसे यहाँ पे अगस्त मंथ का एंड आ रहा है तो पॉसिबिलिटीज ये हैं कि सितंबर मंथ के अंदर भी आपको सब चीज़ें देखने को मिले। थोड़ा मार्केट का मोमेंटम भी ज़रूरी है, इस टाइम पर मार्केट का मोमेंटम बिल्कुल भी नहीं है, बिटकॉइन जब तक बुलिश नहीं होगा तब तक चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। अगर हम शिबा इनू के इकोसिस्टम के टोकन के बारे में बात कर लें जिसका नाम है बॉन, और बॉन की जल्दी ही गेट आयो पे लिस्टिंग हो सकती है, इस तरह के सिग्नल्स जो हैं गेट आयो पे मिल रहे हैं, और अगर बॉन की लिस्टिंग होती है गेट आयो के ऊपर तो एक अच्छी जो हमको प्राइस के अंदर स्पाइक है वो बॉन के प्राइस के अंदर हमको देखने को मिल सकती है। तो जो भी अपडेट रहेगा बॉन को लेके वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलता रहेगा। अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन ज़रूर कर लेना। यही कुछ चीज़ें चल रही हैं शिबा इनू को लेके, ठीक है, और यही कुछ चीज़ें हैं, और सबसे बड़ा जो यहाँ पे वेट हो रहा है वो शिबेरियम को लेके हो रहा है, क्योंकि शिबा इनू का कहीं ना कहीं इस साल का सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो है शिबेरियम, और जब भी शिबेरियम आएगा एक सही टाइमिंग पे आएगा, और जब भी आएगा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि सबको एक्सपेक्टेशंस हैं कि शिबेरियम आने के बाद शिबा इनू एक अच्छी रैली दिखाए, एक अच्छा स्पाइक हमको दिखाए, लेकिन जब भी आएगा जितना डिले हो रहा है उतना ही बढ़िया है, एक सही टाइमिंग पे ऊपर अगर शिबेरियम लॉन्च होता है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ इथेरियम मर्ज भी है, ठीक है, और इथेरियम मर्ज के साथ साथ अगर ये चीज़ें पॉसिबल होती हैं, शिबेरियम उसके बाद आता है, एक सही टाइमिंग पे आता है, और थोड़ा मार्केट का मोमेंटम भी हमको दिख जाता है अगर सेप्टेम्बर मंथ में। वैसे तो सेप्टेम्बर मंथ आपको पता है अच्छा रहा ही नहीं है बिटकॉइन के लिए, क्रिप्टो मार्केट के लिए, तो ज़रूरी है कि सितंबर मंथ भी कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। अगर इस बार भी वही हिस्ट्री रिपीट कर दी बिटकॉइन ने तो ये सितंबर मंथ भी ऐसे ही जाने वाला है। तो जो भी अपडेट रहेंगी बाकी आपको टेलीग्राम पे मिलती रहेंगी। ये कुछ शिबा इनू की सिचुएशन चल रही है इस टाइम पे, ऐसे प्राइस के ऊपर खड़ा है, अगर मार्केट थोड़ा फिसलता है तो शिबा इनू भी आपको एक जीरो ऐड करता हुआ दिख सकता है, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी रहेगी डिप के अंदर बाय करने की। तो जो भी अपडेट रहेंगी सब टेलीग्राम पे आपको मिलती रहेंगी, ज्वाइन ज़रूर कर लेना। कोई भी क्रिप्टो आप खरीद रहे हो सबसे पहले रिसर्च अपनी ज़रूर करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स रहती हैं उनको भी मिस आउट कर रहे हो, तो जल्दी से जल्दी जो है लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर सकते हो, और इंस्टाग्राम ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो। यही कुछ चीज़ें थी आज की इस वीडियो में, फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।